हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रोग्रेशन इन सीरीज़ में अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि प्रोग्रेशन, या इसी को बोलते हैं सीक्वेंस, क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखे सीरीज़ क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर कुछ उसके जनरल टर्म पे क्वेश्चन किए। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन जो होता है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है, अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लासेस में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ठीक है, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। ठीक है, तो ये तीन टाइप का बेसिकली प्रोग्रेशन होता है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी क्या होता है, एपी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले पहले डिफिनेशन ही देख लेते हैं इसका। बोलते हैं कि ए सीक्वेंस इज ए सेड टू बी इन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। मतलब कि कोई सीक्वेंस को एपी में तब कहा जाएगा जब किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो सेम आए, कॉन्स्टेंट आए, बराबर आए हमेशा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो डिफरेंस कांस्टेंट आता है उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। लिख देते हैं, एंड द कांस्टेंट डिफरेंस, एंड द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, डिनोटेड बाई, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाई डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो एपी किसको बोलेंगे, तो वैसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करें और डिफरेंस जो आए वो हमेशा सेम आए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हम यहाँ रखें टू, फोर, सिक्स, एट, 10, डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। फिर सिक्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4, ये भी आ जाएगा 2। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, ये भी आएगा 2। और 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, ये भी आएगा 2। तो देख रहे हो, किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा 2 आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी, एक सेम क्वांटिटी आ रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो सीक्वेंस होगा वो एपी होगा। ठीक है, या ये सीक्वेंस जो होगा वो एपी में कहा जाएगा। ठीक है,
और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आया, ये जो 2 आया, ये इसको हम लोग बोल देंगे कॉमन डिफरेंस। यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस या सिंपली डी बोलेंगे, ये है 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लिखें कि यहाँ पे 3, 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट। पूछे कि ये एपी में होगा कि नहीं होगा, और इसका अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करो, सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट टर्म से। तो 1 -3 कितना होगा, -2। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो -2। फिर -1 -1 क्या हो जाएगा, -2। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, -3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो -1 को। तो देखो -3, अब माइनस माइनस कितना, +1। तो -3 या +1 कितना, -2। यानी यहाँ भी -2 आ रहा है। फिर -5 और माइनस ऑफ -3 करेंगे तो यहाँ भी आएगा -2। तो देख रहे हो यहाँ भी क्या हो रहा है, कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी आ रहा है। अब बस सेम आना चाहिए। अब कोई बोलेगा निगेटिव आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, फ्रैक्शन में आया, कुछ भी आ सकता है, बट आना चाहिए क्या, सेम। तो अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे ये सीक्वेंस जो होगा वो कहलाएगा किस में, तो एपी में। ये सीक्वेंस कहलाएगा एपी में। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस या शॉर्ट में डी बोलेंगे, ये हो जाएगा कितना, -2। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस हुआ -2। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला बात है, कि यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 2 आया, 2 मतलब पॉजिटिव आया। तो कॉमन डिफरेंस जब पॉजिटिव आया तो जो एपी हमें मिला वो इंक्रीजिंग एपी है, बढ़ रहा है आगे की तरफ, 2, 4, 6 ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो देखो एपी घट रहा है। ठीक है, घट रहा है, 3 से 1 हो गया, 1 से -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नोट छोटा सा लिख सकते हैं, कि इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी पॉजिटिव हो बोलेंगे देन एपी इज इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी, एपी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, बढ़ेगा। और बोल देंगे इफ डी लेस देन 0 देन एपी इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एपी, एपी कैसा होगा, डिक्रीजिंग एपी होगा। ठीक है, तो डी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग एपी, और डी निगेटिव तो डिक्रीजिंग एपी। अच्छा, ऐसा भी हम लोग बोलेंगे, और एक इफ डी इक्वल टू 0 हो जाए तो बोलेंगे देन एपी इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब इसका सारा टर्म सेम ही होगा। ठीक है, मतलब बोल देंगे ऑल टर्म्स आर सेम। ठीक है, जैसे डी 0 हो जाए, डी 0 हो जाए मतलब कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म ले लें 2, फिर सेकंड टर्म भी 2, थर्ड टर्म भी 2, फिर 2, ऐसे ही ले लें ये। तो पूछा जाए कि ये एपी में है कि नहीं, तो एपी में होने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करें तो आ रहा है 0, फिर थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करें तो 0, फोर्थ को थर्ड से तो 0। तो एपी में होने का क्राइटेरिया ये है कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करें तो सेम क्वांटिटी आना चाहिए। अब वो ये नहीं मेंशन किया है, या होता भी नहीं है डिफिनीशन में मेंशन, कि 0 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, बस सेम आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी। तो यहाँ पे किसी भी टर्म का उसके पहले वाले से डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये एपी है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 0। और देखो ये कॉमन डिफरेंस 0 आया तो ये कांस्टेंट एपी है, इसका सारा टर्म सेम है। ठीक है, ये ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो डी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डी निगेटिव तो डिक्रीजिंग एपी, और डी 0 तो कांस्टेंट एपी। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि ये एपी में होगा कि नहीं, लॉग ए स्क्वायर, लॉग ए क्यू,
log a टू द पावर 4 डॉट डॉट, पूछेगी ये एपी में होगा कि नहीं होगा, तो चेक करो क्या करना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है वो लगा सकते हो। तो लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो होता है लॉग मान लो ए का पावर के है, तो इस के को हम लोग इनटू में लेके जा सकते हैं, यानी कहाँ लेके जा सकते हैं, इनटू में, तो हो जाएगा के लॉग ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज लगा देने के बाद ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, लॉग ए, ये टू इधर इनटू में आएगा तो हो जाएगा टू लॉग ए, फिर थ्री इनटू में आएगा तो हो जाएगा थ्री लॉग ए, और फोर इनटू में आएगा तो फोर लॉग ए डॉट डॉट ऐसे। अब चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, टू लॉग ए माइनस लॉग ए कितना होगा, लॉग ए, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा लॉग, देखो थ्री लॉग ए माइनस टू लॉग ए, ये भी हो जाएगा लॉग ए, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो फोर लॉग ए माइनस थ्री लॉग ए क्या होगा, लॉग ए। तो ये देखो, ये किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम आ रहा है, तो सेम क्वांटिटी आ रहा है, तो बोलेंगे ये एपी में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एपी होगा, ये होगा एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो लॉग ए, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा लॉग ए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस आएगा बोलेगा चेक करने को एपी में, तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, या इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, या कभी कभी इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जो बोलना है सो बोलना। तो ये लिखते कैसे हैं, तो देखो यहां पे एक चीज समझना है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो यही पहला एग्जांपल है, तो इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट टर्म है टू, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है, टू है, कॉमन डिफरेंस भी टू, फर्स्ट टर्म भी टू, तो सोचो फर्स्ट टर्म मतलब इस यहाँ पे क्या था, पूरा एपी गिवन था, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड किए, बट अगर सोचो फर्स्ट टर्म दे दे और सिर्फ कॉमन डिफरेंस दे दे, दो चीज़ दे दे, अब बोले कि पूरा एपी लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो सोचो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो तो देखो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर सेकेंड टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो अगला टर्म आ जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो अगला टर्म आ जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो अगला टर्म आ जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस आता है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, सिंपल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी के लिए कि मान लो एपी का फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, मान लिए कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस एपी का डी है, ठीक है, और बस, तो बोला जाए देन एपी क्या होगा, देन एपी इज, देखो फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, फिर अब सेकेंड टर्म चाहिए तो क्या करना होगा, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा, यानी कि ए प्लस डी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म, फिर अगला टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए तो क्या करना होगा, तो इसमें सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, तब होगा देखो ए प्लस डी है, फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस टू डी आ जाएगा, फिर क्या होगा अगला टर्म, तो इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब डी ऐड करो तो ए प्लस टू डी है, फिर डी ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ऐसे ही आते जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म टी वन, ये क्या है, ये है टी टू सेकेंड टर्म, ये क्या है, ये है टी थ्री थर्ड टर्म, और ये है टी फोर फोर्थ टर्म। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये टी फोर है फोर्थ टर्म है, तो क्या किया गया है, ए प्लस है, ए प्लस तो सब में है, अब प्लस,
समथिंग इंटू डी है, समथिंग तो सब डी तो सब में है। अब ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म होगा। जैसे फोर्थ टर्म है तो 3d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, सेकेंड टर्म है तो 1d है, अब फर्स्ट टर्म है तो 0 × d हुआ होगा, a प्लस 0 × d हुआ होगा, लेकिन 0 × d 0 ही हो गया तो वो नहीं रखा गया, ठीक है, हटा दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, तो ये जो ये हाँ ये मतलब कि d के पहले क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म में से एक कम। जैसे अगला हम अगर पूछे पांचवा टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे a प्लस, अब पांचवा टर्म पूछ रहे हैं तो 4d एक कम, ठीक है, देख रहे हो, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म में होगा a प्लस 4d। ऐसे ही अगर हम पूछे कि 15th टर्म कितना होगा, तो बोलोगे a प्लस 14d। तो वैसे ही पूछते पूछते अगर हम पूछ दिए कि nth टर्म कितना होगा, nth n एक जनरल कोई नंबर है, तो उसके लिए हम टर्म देखें तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा a प्लस और n माइनस 1 × d, एक कम, d के पहले क्या होगा, तो जॉन्स जो भी टर्म हम लिख रहे हैं वो क्या हो, उससे एक कम कर देना है, उससे एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 × d, इसी को बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको मिल गया नया tn का वैल्यू क्या, a प्लस n माइनस 1 × d, ठीक है, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। अब tn का मतलब nth टर्म, nth टर्म, a तो पता ही है फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है तो कॉमन डिफरेंस, एंड n क्या है तो n है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है n। तो ये हो गया tn का फॉर्मूला, मतलब कि यहाँ पे अब n के जगह पे कुछ भी रख दें तो वो वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे n के जगह पे 100 रख दें तो 100 टर्म आ जाएगा, यानी a प्लस 90 90, ठीक है। तो ये सब हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया tn मतलब nth टर्म, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। कोई बोले कि nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, मतलब एंड से nth टर्म कितना होगा, ठीक है, या एंड से कोई भी टर्म, एंड से मान लो पांचवा टर्म, छठा टर्म या टेंथ टर्म क्या होगा एंड से। तो एंड से अब हम लोग देखते हैं जनरल टर्म, ये जनरल टर्म ऑफ एपी जैसे देखे थे तो ये क्या था, ये था फ्रॉम बिगनिंग, या जैसे कुछ भी नहीं लिखा है तो फ्रॉम बिगनिंग वो अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, लेकिन एंड से पूछे तो उसको लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड से जनरल टर्म, ठीक है, या nth टर्म फ्रॉम एंड कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो ये कैसे लिखेंगे, तो यहां भी फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, और यहां पे एक चीज और हम ले रहे हैं लास्ट टर्म ले रहे हैं, मान लो l, ठीक है। तो अब पूछे ap क्या होगा, ap इज क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म है a तो a लिख दो, फिर सेकेंड टर्म लिखने के लिए a में d ऐड करना होगा, यानी a प्लस d, फिर थर्ड टर्म के लिए a प्लस d में d ऐड करना होगा तो आ जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, फिर इससे आगे वाला चाहिए तो फिर d ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही लास्ट टर्म जाके कितना मिलेगा l, लास्ट टर्म मिलेगा कितना l है लास्ट टर्म, तो l आ गया। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था और सेकेंड टर्म चाहिए, मतलब जस्ट आगे वाला टर्म चाहिए तो क्या किए d ऐड किए। अब एक चीज सोचो, हमको अगर सेकेंड टर्म मालूम रहता और पूछता फर्स्ट टर्म बताओ तो क्या करते, तो सेकेंड टर्म दिया है फर्स्ट टर्म पूछे तो इसमें से d सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या थर्ड टर्म है और उसके एक पहले वाला पूछे तो इसमें से भी d सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a प्लस 2d में से d सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस d आएगा, इसके आगे वाला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे प्लस d करेंगे, इसके पहले वाला चाहिए तो माइनस d करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही लास्ट टर्म गिवन है l, अब हमको सेकेंड लास्ट टर्म चाहिए मतलब उसके पहले वाला टर्म, तो क्या होगा l माइनस d, लास्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस यानी कि d सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर इसके भी पहले वाला चाहिए तो क्या करेंगे
तो एल माइनस डी में से फिर से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल माइनस टू डी होगा। फिर इसके भी पहले वाला चाहिए तो क्या करेंगे तो एल माइनस थ्री डी होगा। ठीक है, मतलब डी फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल माइनस थ्री डी आ गया। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे अगर हम लास्ट से जनरल टर्म काउंट करना शुरू करें तो ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट से क्या है एंड से क्या है टी वन है, टी वन फ्रॉम एंड, ये क्या है टी टू फ्रॉम एंड, ये क्या है टी थ्री फ्रॉम एंड, और ये है टी फोर फ्रॉम एंड। तो सोचो एंड से हमको फोर्थ टर्म चाहिए, एंड से अगर हमको चाहिए फोर्थ टर्म तो एल अब माइनस थ्री डी हुआ है, एंड से थर्ड टर्म चाहिए तो एल माइनस टू डी हुआ है, एंड से सेकेंड टर्म चाहिए तो एल माइनस वन डी हुआ है। ठीक है, और लास्ट से फर्स्ट टर्म चाहिए तो एल माइनस जीरो डी हुआ है, जीरो डी का मतलब जीरो ही, तो वो लिखा गया नहीं। देख रहे हो यहाँ से एक पैटर्न बन गया, मतलब लास्ट से जो भी टर्म चाहिए तो क्या कर दो एल माइनस जो भी टर्म चाहिए उतने में से वन सब्ट्रैक्ट करके डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से अगर हमको लास्ट से ठीक है कोई भी टर्म, मान लो एन एस टर्म ही ले लो, एन एस टर्म, इसमें ये नहीं समझना कि नंबर ऑफ टर्म एन है, नंबर ऑफ टर्म एन होगा तो लास्ट टर्म ए हो जाएगा ए। ठीक है, बट हम कुछ भी आर भी मान के बना सकते हो, लास्ट टर्म सॉरी एन एस टर्म या आर एस टर्म। ठीक है, चलो एन एथ ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। टी एन फ्रॉम इंड, इंड से टी एस टर्म क्या होगा, एन एस टर्म क्या होगा, तो एल माइनस एल माइनस हमको लास्ट से फोर्थ टर्म चाहिए तो थ्री डी लिखाया, तो टी एन चाहिए एंड से तो लिखाएगा एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा टी एन फ्रॉम इंड, इंड से टी एन मतलब एन एथ टर्म, ये होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इंड से कोई भी टर्म पूछे तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखो मान लो लास्ट टर्म नहीं दिया, जैसे ये इंड से मान लो फोर्थ टर्म पूछे या फिफ्थ टर्म या कोई भी टेंथ टर्म पूछे और लास्ट टर्म नहीं दे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दे। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म का यूज नहीं आया, अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दे, अब पूछे कि ए मतलब कोई भी टेंथ टर्म एलेवेंथ टर्म एंड से निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एल एल लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो अब समझ ही रहे हैं तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, टी एन फ्रॉम इंड ये हुआ एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, अगर हम बोले टी आर फ्रॉम इंड क्या होगा, फ्रॉम इंड तो बोलोगे एल माइनस और आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी आर फ्रॉम इंड ये हो जाएगा। अब सोचो कि एल नहीं दे और फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म दे दे। ठीक है, अगर दे दे इफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू एन। अब देखो यहाँ पे टी एन एन लिखे थे जनरल टर्म के लिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म एन अगर मान लें, हम आर में क्यों बदलना पड़ा, आर के टर्म में जनरल टर्म क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जब एन मान लिए तो अब एन जनरल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म एन मान लिए तो सोचो ये नंबर ऑफ टर्म मान लो टोटल एन है, तो लास्ट से पूछा जाए कि एनथ टर्म कौन होगा, तो लास्ट से एनथ टर्म पूछा जाए तो वो तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर वो हमेशा वो ए ही आएगा, तो इसलिए लास्ट से एनथ टर्म निकालना हो और उस केस में मतलब लास्ट से जनरल टर्म निकालना हो और नंबर ऑफ टर्म दे दे गिवेन हो जाए और फर्स्ट टर्म गिवेन हो, तो उस केस में हम लोग कैसे मतलब लास्ट से कोई भी टर्म कोई भी जनरल टर्म निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग टी आर फ्रॉम इंड लिख दिए, आर मतलब जनरल टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म एन ले लिए और फर्स्ट टर्म ए ले लिए। तो यहाँ पे अब टी आर फ्रॉम इंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मान लो एल नहीं दिया है तो टी आर फ्रॉम इंड हो जाएगा एल, एल का एल लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो लास्ट टर्म मतलब एनथ टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस क्या हो जाएगा
यहाँ पे आर माइनस वन इंटू डी, आर माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस, और डी दोनों से कॉमन करें तो होगा एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू डी। तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हुआ और ये हो गया ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी। तो ये हो जाएगा टी आर फ्रॉम इंट का फॉर्मूला, ये हो गया टी आर फ्रॉम इंट, क्या हो गया ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी। ठीक है, टी आर फ्रॉम इंट का फॉर्मूला अगर फर्स्ट टर्म गिवेन हो और नंबर ऑफ टर्म गिवेन हो और कॉमन डिफरेंस गिवेन हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। जैसे देखो, अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म हो, मान लो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो टू और कॉमन डिफरेंस हो थ्री और नंबर ऑफ टर्म हो ट्वेंटी, ठीक है, और पूछे फाइंड फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड, इंड से सेवेंथ टर्म क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है ए, कॉमन डिफरेंस है थ्री और नंबर ऑफ टर्म टोटल है ट्वेंटी, तो ट्वेंटी टर्म है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ट्वेंटी इसमें टर्म है, टी वन पहला टर्म, टी टू, टी थ्री, ऐसे ही कहाँ तक, तो टी ट्वेंटी तक। हमको क्या चाहिए, तो एंड से सेवेंथ टर्म, तो एंड से ये पहला टर्म हो गया, एंड से ये टी नाइनटीन दूसरा टर्म आएगा, ऐसे ही एंड से हमको आते जाएगा, एंड से मतलब तीसरा चौथा वैसे ही सेवन्थ टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये ए का वैल्यू देखो, फॉर्मूला में क्या चाहिए, ए चाहिए तो ए का वैल्यू है टू, डी चाहिए तो डी का वैल्यू है थ्री, एन चाहिए देखो एन यहाँ पे है तो एन का वैल्यू है ट्वेंटी, और पूछ रहा है फाइंड सेवन्थ टर्म फ्रॉम इंड, तो हमको चाहिए टी आर फ्रॉम इंड, मतलब सेवन्थ टर्म पूछ रहा है इंड से, मतलब आर का वैल्यू गिवन है क्या सेवन, मतलब हमसे पूछ रहा है टी सेवन फ्रॉम इंड, तो यहां से आर का वैल्यू हो गया सेवन। पहले लिख देते हैं आर का वैल्यू, आर इक्वल टू है सेवन, तो हमको चाहिए टी सेवन फ्रॉम इंड, क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, यानी ये हो जाएगा ए का वैल्यू टू प्लस एन का वैल्यू कितना है ट्वेंटी, और प्लस सॉरी ट्वेंटी माइनस आर का वैल्यू कितना तो सेवन इंटू डी का वैल्यू थ्री, तो ये हो गया टू प्लस ट्वेंटी माइनस सेवन यानी थर्टीन इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा फोर्टी वन। ठीक है, फोर्टी वन आ गया ये, तो एंड से सेवेंथ टर्म इस एपी के लिए जिसका फर्स्ट टर्म टू है, कॉमन डिफरेंस थ्री है और नंबर ऑफ टर्म ट्वेंटी है, इस एपी के लिए एंड से सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, ऐसे चलो एक चीज और देख सकते हो, टी आर फ्रॉम इंड क्या है, टी आर फ्रॉम इंड इक्वल टू आया ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन तो लिख ही सकते हो ना, इंटू डी ऐसा लिख सकते हो, प्लस वन की है माइनस वन की है। अब देखो, ए प्लस टी एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या था एनथ टर्म ऑफ ए पी, तो एनथ टर्म मतलब हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो तो इसको क्या बोलेंगे, टी एन एनथ टर्म। अगर हो जाए ए प्लस एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी तो ये क्या होगा, तो देखो एन माइनस वन इंटू डी था तो एनथ टर्म हो गया, एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी है तो ये क्या हो जाएगा, तो टी एन प्लस एम एस टर्म, मतलब कि एन प्लस एम एस टर्म ये हो जाएगा। अगर मान लो ये हो ए प्लस कुछ भी एन प्लस एम प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस एम प्लस फिफ्थ टर्म, मतलब कि टी एन प्लस एम प्लस फाइव, मतलब ये वाला टर्म हमको मिलेगा। ठीक है, काफी बेसिक चीज है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो टी एन हुआ, तो यहां वाला से हो रहा है। अब देखो, माइनस वन के पहले माइनस वन हुआ है, उसके पहले जो लिखा जाएगा वो वाला टर्म होगा, मतलब ये कौन सा टर्म, तो टी एन प्लस एम, ये क्या होगा, तो टी एन प्लस एम प्लस फाइव। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो वैसे ही ये कौन सा टर्म होगा, ठीक है, और ये बिगनिंग से होगा, टी एन फ्रॉम बिगनिंग, टी एन प्लस एम फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, तो ये कौन सा टर्म होगा बिगनिंग से, तो टी एन माइनस आर प्लस वन फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कंप्लीट करो, टी आर फ्रॉम एंड क्या होगा, तो टी एन माइनस आर प्लस वन फ्रॉम बिगनिंग, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म क्या है, टू है, फिर से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म था टू, कॉमन बैटरी लो, तो फर्स्ट टर्म है टू, कॉमन डिफरेंस है थ्री, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म क्या था, 20, नंबर ऑफ टर्म था 20, और पूछ रहा था T7 फ्रॉम एंड, तो T7 फ्रॉम एंड, वैसे जो ये TR फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस आर इंटू डी, ये अप्लाई कर दें, या नहीं तो हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, TR फ्रॉम एंड इक्वल टू क्या होगा, TN माइनस आर प्लस वन फ्रॉम बिगनिंग, तो हमको क्या चाहिए, T7 फ्रॉम एंड, यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है, ये वाला 7, T7, तो T7 फ्रॉम एंड चाहिए, तो T7 फ्रॉम एंड चाहिए, तो क्या लिख देंगे, T और N माइनस आर प्लस वन, N के जगह पे 20, अब माइनस आर मतलब -7 अब प्लस वन फ्रॉम बिगिनिंग, ध्यान देना, T7 फ्रॉम एंड चाहिए, तो फॉर्मूला जो डायरेक्ट था वो ना लगा के हम ये कंसेप्ट का यूज़ किए, TR फ्रॉम बिगिनिंग बोलो या TN माइनस आर प्लस वन फ्रॉम, TR फ्रॉम एंड बोलो या TN माइनस आर प्लस वन फ्रॉम बिगिनिंग बोलो, तो ये हो गया कितना, तो T 20 माइनस 7 मतलब कि 13 अ प्लस 1 मतलब T14 फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे सेवेंथ टर्म एंड से जो होगा वही होगा 14th टर्म बिगिनिंग से, ठीक है, और T14 फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लो, क्या होगा, a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, सिंपल, ठीक है, बिगिनिंग से जो आता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है, 2 प्लस एन माइनस वन मतलब ये 13 आ गया, और डी का वैल्यू 3, तो सेम आया, 41 आया, तो सेम आंसर आ गया, ठीक है, और काफ़ी काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। देखो क्या एक्चुअली कंसेप्ट है, देखो T1 T2 T3 T4 ऐसे ही डॉट डॉट, T11 T12 T13 T14 T15 T16, ठीक है, और T20 ऐसे। अब देखो या इसको पूरा लिख देते हैं, तो ज्यादा बेटर, T17 T18 T19 और T20। अब देखो हमसे पूछ रहा है एंड से सेवेंथ टर्म, तो गिनो एंड से सेवेंथ टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड से सेकंड, एंड से ये थर्ड, ये एंड से फोर्थ टर्म, ये एंड से फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, तो एंड से सेवेंथ टर्म देखो क्या आया, बिगिनिंग से देखें तो 14th टर्म आ गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग एंड से जितना टर्म चाहिए वो हम लोग उसको हम लोग स्टार्टिंग से कितना टर्म आएगा इसमें कन्वर्ट कर दिए, और स्टार्टिंग से जो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये आ गया। तो ऐसे ही हम कुछ भी पा सकते हैं, जैसे एंड से तीसरा टर्म क्या होगा, तो दिख रहा है यहाँ पे हम तो लिख चुके हैं, तो ये 18th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, मतलब एंड से थर्ड टर्म पूछा जाए और नंबर ऑफ टर्म 20 है तो पूछा जाए वो बिगिनिंग से कितना होगा, तो बिगिनिंग से हो जाएगा वो 18th टर्म, ठीक है, फॉर्मूला से भी देख सकते हो, T3 फ्रॉम एंड इक्वल टू T, देखो क्या था, 20 मतलब एन माइनस 3 अब प्लस 1 फ्रॉम क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, तो देखो फॉर्मूला से ये आ गया, टी 20 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब कि ये आर, आर का वैल्यू टी आर फ्रॉम एंड जो चाहिए, अब प्लस वन ये फॉर्मूला में था, तो 20 माइनस 3 17 अ प्लस 1 यानी 18 फ्रॉम बिगनिंग आ गया।
अब यहाँ पे दिख रहा है तीसरा टर्म एंड से जो है वो क्या है, 18th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ठीक है। तो ये जो है ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, ये हो सकता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखें इसको काफ़ी डीप में थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बट समझ गए आप ना। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को फिर से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।